जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और एक बार वापस से मुलाकात हो रही है। दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों इससे पहले यानी कि पार्ट थ्री में हमने देखा है कि गॉस का नियम क्या है, और गॉस का नियम मैंने आपसे ये भी कहा कि बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आप इसे याद रखें, और ये पूरा चैप्टर भी इसी के नाम पे है, गॉस का नियम व उसके अनुप्रयोग। तो गॉस का नियम हमने कल देखा है, इसके कुछ अनुप्रयोग भी हम देखेंगे, और मेन रूप से अनुप्रयोग ही है अगर देखा जाए तो, सवाल वहीं से बनना है। तो आप लोग ध्यान दें कि हम कैसे करते हैं। दोस्तों एक बार वापस से रिपीट करता हूं कि गॉस का नियम जो मैंने आपको बताया वो गॉस का नियम क्या था। देखिएगा दोस्तों, गॉस का नियम, गॉस के नियम में मेन रूप से बात की जाती है फ्लक्स की यानी फाई की, किसी पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होगा उसकी बात की जाती है। तो मेन रूप से गॉस के नियम में यह कहा गया था कि ये फाई जो है वो उसके कुल आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ का कुल आवेश कितना है क्यू, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ का, मान लीजिए ये इस प्रकार से कोई पृष्ठ है और ये भी विद्युत क्षेत्र में ये पृष्ठ है, यदि इस पृष्ठ का कुल आवेश क्यू है तो इससे निर्गत जो फ्लक्स होगा, इससे निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या वो कहलाएगा फ्लक्स। तो निर्गत फ्लक्स हमेशा ही क्यू और 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होगा, आवेश और 1/ε0 के बराबर होगा। ये था अपना गॉस का नियम, और गॉस के नियम के बाद मैंने कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां भी आपको बताई है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं आपको, और वो तथ्य क्या रहे हैं दोस्तों। जैसे कि हम किसी लंबाई के अनुदिश जो है कोई आवेश वितरित है तो उसके कारण हम किसी बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। देखिए कि यदि आवेश इस प्रकार से लंबाई में वितरित है तो हम इसके कारण, इन सब आवेशों के कारण किसी बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं कि तीव्रता कितनी होगी। और गॉस ये कहता है कि इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए आप इनके चारों ओर किसी बंद गॉसिय पृष्ठ की कल्पना कर लीजिए, यानी इसके चारों ओर एक बंद गॉसिय पृष्ठ मान लीजिए, और वो बंद गॉसिय पृष्ठ जो होता है दोस्तों वो आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य था। पहला महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि हम इसके चारों ओर बंद गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करें, यदि किसी आवेश से निर्गत फ्लक्स हमें निकालना है, किसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालना है तो उस समय हम अल्पांश ले लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें बंद गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करनी होती है, वो बंद गॉसिय पृष्ठ किसी भी आकार या आकृति का हो सकता है, वो इसके चारों ओर एक बेलन के रूप में हो सकता है, वो इसके चारों ओर और किसी भी, जैसे कोई ये आवेश है कि वो आवेश है तो इसके चारों ओर किसी भी आकार का वो हो सकता है, गोल हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, एक परत के रूप में हो सकता है, तो वो बंद गॉसिय पृष्ठ आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता। साथ ही वो बंद गॉसिय पृष्ठ आवेशों की स्थिति और आवेशों के वितरण पर भी निर्भर नहीं करता है कि यहां आवेशों की स्थिति क्या है या आवेशों का वितरण किस प्रकार से है, इस बात से बंद गॉसिय पृष्ठ को कोई लेना देना नहीं है। साथ ही बंद गॉसिय पृष्ठ जो होता है वो आवेशों की विराम अवस्था या गतिशील अवस्था पर भी निर्भर नहीं करता है, यहां आवेश गतिशील है या आवेश जो है विराम अवस्था में है, इस बात से गॉसिय पृष्ठ को लेना देना नहीं है। साथ में एक महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको और बताया था कि गॉस का जो नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, ये आपका एक महत्वपूर्ण तथ्य था। उसके बाद मैंने ये कहा था कि यदि कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न हो कि वहां पर उस पृष्ठ का कुल आवेश क्यू जो है वो जीरो हो जाए, कुल आवेश क्यू यदि किसी पृष्ठ का जीरो हुआ, जैसे ये पृष्ठ जो आप विद्युत क्षेत्र में ले रहे हैं, यदि इसका कुल आवेश क्यू जीरो हो जाए तो ये बात बिल्कुल तय है कि फाई भी क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। यदि क्यू जीरो हुआ तो इससे मल्टीपल करने पर ये 1/4πε0 भी जीरो हो गया, ठीक है, और ये टोटल मान जीरो हुआ मतलब फाई कितना हो गया, शून्य हो गया। तो यदि किसी पृष्ठ का कुल आवेश शून्य हो तो वहां पर जो है फाई भी शून्य यानी फ्लक्स शून्य होगा। साथ में यदि कभी ऐसा हो कि फाई शून्य हो जाए, फ्लक्स क्या हो जाए, शून्य, तो फाई के शून्य होने पर तीव्रता भी शून्य हो, ये बात जरूरी नहीं है।
तीव्रता शून्य नहीं भी हो तो भी चलेगा, यानी क्यू शून्य तो फाई शून्य, और फाई शून्य तो तीव्रता शून्य, ऐसा होना जरूरी नहीं है, तीव्रता कुछ हो भी सकती है, जीरो के अलावा भी हो सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे गाउस के नियम के, और आज हम दोस्तों उस गाउस के नियम को उत्पन्न करने वाले हैं, इसे व्युत्पन्न करने वाले हैं। तो किस तरीके से करेंगे आप ये देखें, टॉपिक आप लोग हेडिंग लगा लें कि गाउस के नियम की उत्पत्ति। गाउस के नियम की उत्पत्ति। दोस्तों गाउस के नियम को व्युत्पन्न करना है, हम कैसे करेंगे देखें आप लोग, और इस सवाल को इस रूप में भी दिया जा सकता है कि कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। तो दूसरी हेडिंग लिख ले आप लोग, कूलाम के नियम से गाउस नियम की उत्पत्ति। कूलाम के नियम से गाउस नियम की उत्पत्ति, इसे ये भी कहा जा सकता है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, अगर वो किसी भी रूप में दिया गया है तो। अब देखिएगा गाउस के नियम की उत्पत्ति हम कैसे करेंगे। दोस्तों हम मान लेते हैं कि कोई एक पृष्ठ है, और मान लीजिए ये आवेश है, और हमें पता है कि आवेश है तो इसका एक विद्युत क्षेत्र भी होगा। ये आवेश है तो इससे कुछ बल रेखाएं निकलेगी, इसके चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। बल रेखाएं किसी भी दिशा में हो सकती है, जिन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। मैं एक कोई पृष्ठ मान लेता हूं, ये मान लीजिए इसके चारों ओर कोई पृष्ठ है, तो आपको पता है, हम सब लोग जानते हैं, इससे कुछ बल रेखाएं, कुछ क्या, बहुत ज्यादा बल रेखाएं निकलेगी, और वो सभी दिशा में होगी, क्योंकि यहां मैंने आवेश लिया है। मैंने ये नहीं कहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई पृष्ठ है, ये बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आपसे ये कह रहा हूं कि कोई एक आवेश है क्यों, और उसके चारों ओर ये पृष्ठ मान लिया, तो आप जानते हैं कि इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, और उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, इस पृष्ठ से जो निकलेगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उनकी संख्या को ही हम फ्लक्स या फाई कहते हैं। तो किस प्रकार से हम गणना करेंगे, मैं इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाली रेखाओं की गणना तो नहीं कर सकता, लेकिन यहां पर अगर अल्पांश मान लिया जाए, एक छोटा सा अल्पांश माने, और ऐसा मान लीजिए कि ये जो पृष्ठ है ये अल्पांशों से मिलकर बना, ठीक है भाई, इस पूरे से निर्गत विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक साथ निकालना संभव नहीं होगा, और इसलिए हम इस पृष्ठ को अल्पांशों से मिलकर बना मान लेते हैं। मानते हैं कि यह पृष्ठ आपका ऐसा है जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है, एस है, इसका कुल क्षेत्रफल एस है, और हम एक छोटे से अल्पांश पर विचार करते हैं जिसका क्षेत्रफल डीएस, अल्प है तो डी लगा देंगे, डीएस होगा। दोस्तों सभी जगह से, यानी प्रत्येक बिंदु से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, इस बात को हम जानते हैं, लेकिन उसकी गणना नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, यहां पर एक अल्पांश माना, और उस अल्पांश में से होकर कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, यानी उसका फ्लक्स कितना है वो निकालेंगे, इस अल्पांश का फ्लक्स कितना है वो निकालेंगे, और फिर संपूर्ण पृष्ठ से जो निर्गत विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, यानी संपूर्ण का जो फ्लक्स है वो हम समाकलन के द्वारा ज्ञात कर लेंगे। तो आप लोग ध्यान दें कि मैंने केवल अल्पांश को माना है, और हमें पता है कि प्रत्येक बिंदु से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, यानी अल्पांश से भी किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी आप लोग देखें, इसे अल्पांश से जैसे कि इस तरीके से इस क्षेत्रफल के बीच बहुत सारी रेखाएं निकलेगी, इस क्षेत्रफल के बीच बहुत सारी रेखाएं निकलेगी, यानी बल रेखाएं निकलेगी, उनकी संख्या को हम इसका फ्लक्स कहेंगे। तो मानते हैं कि इसका फ्लक्स कितना होगा दोस्तों, निकलने वाला वो डी फाई होगा, और टोटल जो फ्लक्स है वो फाई होना है, तो हम डी फाई याद कर लेंगे, यहाँ पे समाकलन करेंगे तो फाई का मान, यानी कुल फ्लक्स का मान हमारे सामने होगा। दोस्तों फ्लक्स के लिए आप जानते हैं कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये कहता है कि ई डॉट डी एस, डीएस यहाँ पे क्षेत्रफल है, ई यहाँ पे तीव्रता है, और संपूर्ण के लिए अगर आप कर रहे हैं तो समाकलन ई डॉट डी एस, डॉट जब हटता है तो हमें अच्छे से मालूम है कि कॉस थीटा लगता है।
यानी मेन रूप से हमें तीव्रता चाहिए और हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो दोस्तों अल्पांश का क्षेत्रफल हमारे पास है ds और इसका फ्लक्स जो होगा उसे हम d phi कह देंगे, लेकिन तीव्रता हमें चाहिए। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो अल्पांश हमने माना है ये अल्पांश एक प्रकार का अल्प क्षेत्रफल है, मैं ये कह सकता हूं ये अल्प क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की दिशा होती है। तो आप मान लीजिए कि ये क्षेत्रफल की दिशा है, क्षेत्रफल की यानी डी एस की दिशा, और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है तो इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की भी कोई ना कोई दिशा होगी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी कोई दिशा होगी क्योंकि तीव्रता एक सदिश राशि है, इसे हम जानते हैं। तो तीव्रता की दिशा आपने देखा और ये भी देखा कि डी एस यानी कि जो यहाँ पर ये अल्प क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दिशा भाई हमेशा क्षेत्रफल की दिशा उस क्षेत्रफल के लंबवत होती है। तो जो अल्पांश मैंने माना है वो इस तरीके से है, तो अल्पांश के लंबवत उसकी क्षेत्रफल की दिशा होगी और साथ ही विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा ये है, तो ये दिशा हमने ई मान ली है यानी ये। अच्छा दोनों दिशाओं के बीच जो कोण है वो मैं मान के चलूंगा कि कितना है, थीटा है, यानी यहां पर जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू ई व डीएस के मध्य कोण, ई और डीएस के मध्य कोण है यानी जो थीटा है, यहां आप देख रहे हैं। तो ये प्रश्न मैंने माना पूरे के लिए फ्लक्स नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने यहाँ पे कल्पना की एक छोटे से अल्पांश की, अल्पांश के कारण अल्पांश में से निर्गत जो बल रेखाएं हैं उनकी संख्या यानी अल्पांश का फ्लक्स ज्ञात करेंगे और समाकलन के द्वारा हम संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों माना क्या लिखेंगे, माना एक एस क्षेत्रफल के पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई है तथा इसमें क्यू आवेश उपस्थित है। फ्लक्स को फाई कह दिया जिसे हम ज्ञात कर लेंगे और यहाँ पर जो है वो क्यू यहाँ पे जो है इसका आवेश है, तो ये चीज हमने मान ली। अब आप देखें कि फ्लक्स क्या होगा, तो हम जानते हैं कि फ्लक्स और फ्लक्स फाई इसका फॉर्मूला हमारे पास समाकलन ई डॉट डीएस होता है। ई डॉट डीएस या हम ऐसे कहें कि ये अल्प के लिए है तो आप ये कर दीजिए ई डी एस और हमारे पास कॉस थीटा डॉट जो बढ़ता है तो सीधा लिख दीजिए आप कि कॉस थीटा यहाँ पर लगने वाला है। अब आप देखिए कि ये ई जो है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, हम किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं, अल्पांश के लिए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये है, अगर हम अल्पांश के लिए ले रहे हैं, अल्पांश की बात यहाँ पे हो रही है, तो अल्पांश से निर्गत फ्लक्स यानी डी फाई और वो होगा ई डी एस और कॉस थीटा के तुल्य, ई डी एस कॉस थीटा होगा। अब आप देखें कि ये ई यहाँ पर क्या है, तो हमें पता है कि ये ई तीव्रता को दर्शाता है और कूलाम के नियम के अनुसार तीव्रता का फॉर्मूला हमारे पास के क्यूब बाई आर का स्क्वायर, तीव्रता का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। तो अगर हम यहाँ पर इस तीव्रता को रखें तो बात सॉल्व हो जाएगी। तो ये अल्पांश के लिए है दोस्तों, अगर हमें संपूर्ण के लिए ज्ञात करना है यानी संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, यदि संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की हमें गणना करनी है तो हम क्या करेंगे, वो फाई के बराबर होगा और हम समाकलन करेंगे किसका, ई डी एस और कौन सा थीटा, कॉस थीटा, और हम जानते हैं कि तीव्रता इतनी होती है। तो आप तीव्रता का मान रखें, तीव्रता यानी ई और ये हमने इसका समाकलन किया। अब आप देखें कि फाई जो होगा वो ये समाकलन, तीव्रता का मान है हमारे पास के क्यू बट्टे आर का स्क्वायर और हमारे पास डीएस कॉस थीटा। के क्यू कॉन्स्टेंट है, आप इन्हें बार ले लीजिए तो के और क्यू बार आ गया, तो अंदर बचा डीएस कॉस थीटा बट्टे आर का स्क्वायर,
डीएस कॉस थीटा बटे आर का स्क्वायर। अब देखिएगा फाइव इज इक्वल टू के क्यू है, डीएस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर ये क्या है दोस्तों? अगर हम बात करते हैं केवल इसकी कि डीएस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, तो ये दोस्तों ठोस कोण है। और अगर हम समाकलन डीएस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर की बात करते हैं तो दोस्तों ये कुल ठोस कोण है, ठोस कोण और कुल ठोस कोण। और इस कुल ठोस कोण का मान अगर हम टोटल ये निकालें तो इसका मान 4 पाई होता है। तो बस रख दीजिए यहाँ पे 4 पाई और सॉल्व कर लीजिए। फाइ इज इक्वल टू ये के क्यू है, के दोस्तों 1/4 पाई एप्साइलन 0 होता है, तो क्यू बाई 4 पाई एप्साइलन 0 है और इनटू समाकलन डीएस कॉस थीटा ये पूरा का पूरा 4 पाई होता है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? फाइ इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन 0। तो आपके पास जो आंसर आया है वो ये आया है क्यू अपॉन एप्साइलन 0, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ये मान आपके पास बचा है। और आप इसे गौर से देखें कि ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो व्युत्क्रम हमने निकाला है ना, ये क्या है दोस्तों? फाइ इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन 0 गॉस का नियम। गॉस के नियम के अनुसार अगर किसी पृष्ठ का आवेश, टोटल आवेश उसका क्यू है, तो वहां पर जो फ्लक्स होगा वो उस क्यू के और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणनफल के बराबर होगा। यही तो गॉस का नियम है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमने किस प्रकार से किया, माना है एस क्षेत्रफल के पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई है, उसको फाई मान लिया जिसकी हमें गणना करनी है, ठीक है भाई। और एस क्षेत्रफल है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना है एस क्षेत्रफल पर क्यू आवेश, एस क्षेत्रफल में क्यू आवेश उपस्थित है और उसके कारण निर्गत फ्लक्स की, उसमें से निर्गत फ्लक्स की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। आप ऐसे भी लिखें कोई नहीं, हम जानते हैं कि फ्लक्स कितना होता है, फाइ इज इक्वल टू एडीएस कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे हमने एक अल्पांश माना है, हमने एक अल्पांश डीएस की कल्पना की है, तो वो बात भी आप यहाँ पे लिखें क्योंकि पूरा लिखना संभव भी नहीं होगा, तो कुछ लाइनें में लिखूंगा। और आप पूरा लिखें कि डीएस अल्पांश डीएस का चयन हम करते हैं और मान लेते हैं कि उस पर आवेश जो है, सॉरी आवेश क्या, उससे जो निर्गत फ्लक्स है वो डी फाई होगा और क्षेत्रफल डीएस हमने माना ही है, साथ में थीटा जो है वो मैंने आपको बताया ईडीएस के मध्य कोण है जिसका फिलहाल कोई उपयोग नहीं है, लेकिन यहाँ पर थीटा है, हमने इसको ठोस कोण में बदला है तो ज्यादा हमें इसका उपयोग नजर नहीं आ रहा। दोस्तों ध्यान दें, अल्पांश के लिए डी फाई यानी अल्पांश से निर्गत जो फ्लक्स है उसे हम डी फाई से दर्शाते हैं और वो ईडीएस कॉस थीटा के तुल्य होगा। आप देखें संपूर्ण पृष्ठ का अगर हमें ज्ञात करना है तो डी फाई की जगह फाई ले लेंगे भाई, अल्प डी और फाई ले लिया हमने और संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स यानी सबका, यानी इसका क्या करना है, सबके लिए समाकलन करना है। तो समाकलन किया ईडीएस कॉस थीटा ई यानी तीव्रता, तीव्रता का मान हमें पता है गुलाब के नियम से के क्यू बाई आर का स्क्वायर होता है, तो ये हमने यहाँ पे रखा और के क्यू बाहर आ गया, अंदर बचा डीएस कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर और ये ठोस कोण है। समाकलन इसका करते हैं तो कुल ठोस कोण बनता है, तो वो कुल ठोस कोण 4 पाई है, 4 पाई हमने रखा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ और हमें यहाँ पे गॉस का नियम मिला। तो इस तरीके से दोस्तों गॉस के नियम की उत्पत्ति की जा सकती है, या अब यहाँ पे देखें कि कूलम्ब के नियम से गॉस के नियम की उत्पत्ति, यहाँ पे जो हमने तीव्रता का मान काम में लिया है वो तीव्रता का मान कूलम्ब के नियम से प्राप्त होता है, इसलिए इस समीकरण को या इस डेरिवेशन को ये भी कहते हैं कि कूलम्ब के नियम से गॉस के नियम को व्युत्पन्न करना। तो ये स्थिति है, स्क्रीनशॉट आप यहां से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और फटाफट से आगे बढ़ने से पहले एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों गॉस के नियम की उत्पत्ति के बाद हमें गॉस के नियम का प्रयोग करना है, हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे और कहां करेंगे, कहां करेंगे वो बात तो मैंने आपको बता दी है। गॉस के नियम के अनुप्रयोग, ये हेडिंग लगा दें आप लोग। दोस्तों यदि किसी लंबाई में आवेश वितरित है, यदि किसी पृष्ठ पर आवेश वितरित है तो उन सारी स्थितियों में हम क्या करेंगे, गॉस के नियम का प्रयोग करेंगे तीव्रता को ज्ञात करने के लिए। अब देखें आप, हेडिंग लगा ले मेरे साथ,
गाउस नियम के अनुप्रयोग, गाउस नियम के अनुप्रयोग। और इन अनुप्रयोगों में सबसे पहला जो अनुप्रयोग है दोस्तों, वो अनुप्रयोग कौन सा है आप देखें। यदि अनंत रेखीय लंबाई में कोई आवेश वितरित है तो उसके कारण तीव्रता क्या होगी, तो आप लिखें अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत रेखीय आवेश लंबाई है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी होगी। अब गाउस के नियम का प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हैं आप देखें जरा दोस्तों। यदि आवेश किसी लंबाई के अनुदिश वितरित है या आवेश किसी पृष्ठ के अनुदिश वितरित है तो उसके कारण किसी बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम गाउस के नियम का प्रयोग करेंगे, यानी हम एक बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे, उसके चारों ओर हम मान लेंगे कि एक बंद गाउसीय पृष्ठ है और फिर हम क्या करेंगे, तीव्रता ज्ञात करेंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि किसी लंबाई में वितरित आवेश के कारण इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता का मान निकालने के लिए हम इस आवेश वितरण के चारों ओर एक बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। तो किस प्रकार से करते हैं देखते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कि किसी अनंत लंबाई में आवेश को वितरित किया गया है, मेरा मतलब है कि इस प्रकार से ये कोई अनंत रेखीय लंबाई है, यहां बना देते हैं, और इस लंबाई में आवेश को वितरित किया गया है, अनंत रेखीय लंबाई है मान लीजिए, और इसमें आवेश को इस प्रकार से बांटा गया है और ये लंबाई अनंत है, मैंने ये कहा अनंत है, और ये जो तल है मैं मान लेता हूं कि XY तल है जिस पर हम विचार कर रहे हैं दोस्तों। ये अनंत रेखीय लंबाई में आवेश को वितरित किया गया है, आवेश को बांटा गया है, और XY जो तल है वो हमारा विचाराधीन भाग है, हम उस पर विचार कर रहे हैं दोस्तों। इस लंबाई से r दूरी पर कोई एक बिंदु आया हुआ है, इस बिंदु का नाम है P और वहां पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें तीव्रता निकालनी है कि इसके कारण तीव्रता कितनी होगी। अब मैंने आपसे कहा था कि हम इन अलग अलग आवेशों के कारण तीव्रता ज्ञात नहीं कर सकते। आप लोग ध्यान दें, हमें केवल इतना पता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, हमें ये बात मालूम है। कोई एक बिंदु आवेश है यानी क्यू है, इसके कारण किसी बिंदु पर जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, केवल ये फॉर्मूला हमें मालूम है। एक आवेश के कारण ज्ञात करना हमें आता, एक बिंदु आवेश के कारण, लेकिन इतने सारे आवेश दिए गए हैं इनके कारण वहां तीव्रता कितनी होगी, ये बात थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालेगी। तो हम प्रति एक आवेश से इस प्रकार से प्रत्येक आवेश से हम तीव्रता ज्ञात करेंगे और फिर उन तीव्रताओं को जोड़ेंगे, तो ऐसा करना कठिन होगा। और आवेशों की संख्या चूंकि बहुत ज्यादा है, सतत प्रतीत होता है आवेश, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते और हम क्या करेंगे कि अल्पांश का चयन करेंगे। अब आप सोचें कि मैंने आपको बता दिया कि अल्पांश का चयन करेंगे और अल्पांश के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे और उसके बाद उस तीव्रता का समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण के लिए मिल जाएगा। भाई एक अल्पांश का चयन करेंगे, अल्पांश के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे और उसका समाकलन करेंगे तो सभी स्थितियां मिल जाएगी। लेकिन यदि आप यहां पे कोई अल्पांश मानते हैं और इस अल्पांश के कारण यहां तीव्रता ज्ञात करते हैं, मान लीजिए वो तीव्रता आपने ज्ञात कर ली, अब आप सोचें थोड़ा सा कि ये जो तीव्रता है यानी जो E है वो एक प्रकार से कौन सी राशि है दोस्तों, सदिश राशि। एक प्रकार से क्या, वो तो तीव्रता तो सदिश ही है, और सदिश राशि है तो उसकी
दिशा भी संभव है, दिशा होगी और उसका परिमाण भी होगा। भाई तीव्रता आपने इस अल्पांश के कारण यहां तीव्रता निकाल ली। अब तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है और सदिश राशि की दिशा होती है और परिमाण भी होता है। तो दिशा बताएं आप, आपने तीव्रता ज्ञात कर ली तो दिशा बताने में क्या हर्ज है? तो दिशा बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके कारण तीव्रता की दिशा ये होगी। तो क्या इस आवेश के कारण यहां जो अल्पांश है, भाई अल्पांशों से मिलकर बना माना है, तो ये अल्पांशों से मिलकर बना है, बहुत छोटे छोटे अल्पांश है, तो इस अल्पांश के कारण इस पर तीव्रता होगी, उसकी दिशा ये हो जाएगी। इसके कारण होगी तो उसकी दिशा ये हो जाएगी, यानी बहुत सारी दिशाएं मिल जाएगी। अब आप कैसे जो है परिणामी दिशा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तीव्रता की दिशा कैसे निकालेंगे? तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहां एक अल्पांश माना और अल्पांश के कारण तीव्रता ज्ञात कर ली, समाकलन किया और सबके लिए आ गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमें अल्पांश मानना तो है लेकिन एक नहीं बल्कि कितने अल्पांश मानने हैं दोस्तों? दो अल्पांश मानने हैं, क्योंकि दिशा भी है और परिमाण भी है। तो आप लोग ध्यान दें कि इस बिंदु से, यानी बिंदु जो ओ है, इस बिंदु से हमने क्या किया, इस बिंदु ओ से एल दूरी पर एक अल्पांश माना यहां पे, और इससे एल दूरी पर ऊपर यहां एक और अल्पांश माना, ये एक्स वाई तल है आप लोग याद रखें, और यहां एक और अल्पांश माना, इस अल्पांश को मैंने ए वन कहा और इस अल्पांश को मैंने ए टू कहा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने दो अल्पांश माने हैं, एक अल्पांश मैंने यहां माना है और दूसरा अल्पांश यहां माना है, दोनों ही अल्पांश बिंदु ओ से समान दूरी पर है। अल्पांश मानने तो समान दूरी पर ही मानना पड़ेगा, इससे एल दूरी पर है ऊपर ये, और ये भी बिंदु ओ से एल दूरी पर है। अब हम क्या करेंगे, इसके कारण इस पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो अल्पांश ए वन के कारण इस पर जो तीव्रता होगी उसकी दिशा ये होगी, अल्पांश है, अल्पांश के कारण तीव्रता यानी डी, तो उसकी दिशा ये होगी। आप देखें कि नीचे वाला जो है इसकी दिशा ये होगी, इस अल्पांश के कारण तीव्रता की दिशा ये हो जाएगी। अब दो दिशाएं हमें प्राप्त हुई है, इसके कारण ये, इसके कारण वो, इसके कारण ये और इसके कारण वो, और हम क्या करेंगे इन दो दिशाओं का परिणामी निकाल लेंगे, तो परिणामी दिशा हमारे पास होगी। तो दिशा का मामला तो निपट जाएगा। रही बात परिमाण की, यानी तीव्रता निकाले, और उस तीव्रता को निकालने के लिए हम गाउसिय पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। कौन से पृष्ठ की? गाउसिय पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे और परिमाण निकाल देंगे, जैसा कि गाउस के नियम में कहा गया है कि आप फ्लक्स निकालने के लिए बंद गाउसिय पृष्ठ को मान लीजिए। तो बस वही कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर हमने एक अल्पांश ए वन माना, यहां अल्पांश ए टू माना, दो अल्पांश इसलिए माने ताकि दिशा वाला जो मामला है उसे हम सॉल्व कर सके। भाई इन सभी अल्पांशों के कारण, ऊपर के जितने भी अल्पांश हैं उनके कारण दिशा कहां होगी? नीचे, और इन सभी के कारण दिशा ऊपर होगी, और इसके कारण तो परिणामी बीच वाले के कारण तो ये होने ही वाली है। तो हम इसका और इसका परिणामी निकालें तो दिशा का परिणामी हमारे पास प्राप्त हो जाएगा और इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखें कि सबसे पहले हम दिशा का मैटर सॉल्व कर रहे हैं, और इससे r दूरी पर यह है, इसकी दिशा मैंने ये मान ली, लंबाइयां मैंने क्या मान ली, दोनों l मान ली। तो अब परिणामी दिशा कहां होगी? तो ध्यान दीजिएगा कि यदि मैं आपसे कहता हूं दोस्तों कि ये जो कोण है, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो सीधी सी बात है कि ये कोण भी कितना होगा? थीटा होगा, क्योंकि इससे ये समान दूरी पर है, ये तो दोनों समान दूरियां हैं और ये भुजा उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों कोण बराबर होने ही होने हैं, तो ये दोनों थीटा यहां पर बराबर है। अब आप देखें कि ये दोनों दिशाएं हैं, इन दोनों दिशाओं का हमें परिणामी निकालना है, यानी हमें क्या चाहिए? परिणामी दिशा, परिणामी दिशा की हमें जरूरत है। अब दोस्तों परिणामी निकालने के लिए जो हम अपनाते हैं विधियां, वो आपको पता है, यदि कभी ऐसा हो कि दोनों दिशाएं समान हो तो परिणामी कैसे निकालेंगे? इसकी दिशा भी इधर और इसकी दिशा भी इधर दोनों हो तो हम उसे जोड़कर परिणामी निकालते हैं। दूसरी परिणामी निकालने की विधि है कि यदि दोनों की दिशा क्या हो, विपरीत हो,
एक की दिशा इधर, दूसरे की दिशा इधर, तो हम उसे घटा करके उसका परिणाम निकालते हैं जो कि आप 11th क्लास में सीखते हैं। तीसरा, यदि दो दिशाओं के मध्य या दो जो इस प्रकार से दे रखे हैं जिनका परिणाम आपको निकालना है, उनके मध्य का कोण यदि थीटा हो, तो इसे इसका परिणाम निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। जैसे पहला ए है और ये बी है, तो हम ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कौन सा थीटा कॉस थीटा, इस फॉर्मूले के द्वारा हम उसका परिणाम निकाल देते हैं, टोटल निकाल देते हैं। और यदि दो दिशाओं के बीच कोण नहीं दे रखा, इन दो दिशाओं के बीच कोण नहीं दे रखा, ये दोनों दिशाएं इस तरीके से है, ये अलग चतुर्थांश में जा रही है और ये अलग जा रही है, तो ऐसी स्थिति में हम अक्सर क्या करते हैं, उन चीजों को घटक मानकर सॉल्व करते हैं। तो घटक मानना, ये बात, ये फॉर्मूला, यदि बीच का कोण थीटा हुआ तो, यदि विपरीत हुई तो घटाकर परिणाम निकालेंगे और यदि समान हुई तो जोड़कर परिणाम निकालेंगे। तो ये चार विधियां हैं। अब आपको यहां पे दिख रहा है कि ये दोनों दिशाएं हैं, इनके बीच का कोण हमें नहीं पता, इनके बीच का कोण हमें नहीं पता, केवल ये दोनों दिशाएं दे रखी है, तो परिणाम निकालने के लिए हमें लास्ट वाली स्थिति को लेना होगा, यानी हमें घटक मानना पड़ेगा। तो यहां ये जो ऊपर वाली स्थिति आपको नजर आ रही है, इसका मैं घटक मान लेता हूं एक, तो भाई घटक हमेशा ही एक्स अक्ष के अनुदिश और वाई अक्ष के अनुदिश ऐसे माने जाते हैं, तो एक घटक ये होगा और दूसरा घटक इसका ये होगा, ये बात। साथ ही दूसरी जो स्थिति है, यानी ये जो दिशा है इसके दो घटक क्या होंगे, इस डी के, तो एक घटक ये और दूसरा ये आपको दिख रहा होगा नीचे की ओर इस प्रकार से, ठीक है भाई, ये घटक, ये दो दो घटक मान लिए। हमें पता है कि दो दो घटक मान लिए, एक घटक साइन और एक घटक कॉस थीटा होता है, एक साइन और एक कॉस। अब आप देखें कि यदि ये कोण थीटा है तो इसके साथ ये बनने वाला शीर्षाभिमुख कोण ये भी क्या होगा, थीटा, और ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। और हमें अच्छे से पता है कि थीटा से लगता जो घटक होता है वो कॉस होता है, यानी इस डीई का ये वाला घटक डीई कॉस थीटा होगा। आप लोग घटक तो मानते ही होंगे और 11th क्लास में बहुत माने भी होंगे, तो यहां पर ये भी डीई का एक घटक है लेकिन ये थीटा से लगता नहीं है, इसलिए ये डीई क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये घटक इस डीई का ऊपर वाला कौन सा होगा, डीई कॉस थीटा, क्योंकि थीटा से लगता घटक कॉस होता है। यहां पे ये जो है वो क्या होगा भैया, थीटा से लगता है, इसलिए नीचे वाले का घटक होगा डीई कौन सा थीटा, कॉस थीटा, थीटा से लगता कॉस थीटा, और ये जो बचा वो क्या बचा, डीई साइन थीटा, तो ये मैंने घटक मान लिए। थीटा से लगते जो दोनों घटक है उसको कॉस कॉस माना है, ये इसके दो घटक हो गए। ये जो आपको दिशा नजर आ रही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, ये दिशा, इस दिशा का एक घटक ये और एक घटक ये वाला घटक चूंकि थीटा से लगता है इसलिए इसको डी कॉस थीटा का, और ये जो बचा वो डी साइन थीटा। इस तीव्रता के यानी इस दिशा के घटक और ये वाला घटक थीटा से लगता है इसलिए इसको डी कॉस थीटा, और ये वाला घटक नीचे वाला जिसे कहा डी साइन थीटा, क्योंकि वो कॉस तो ये साइन ही बचा है, तो ये होगा। अब आप जानते हैं कि डीई साइन थीटा और डीई साइन थीटा परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण ये एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, ये परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, और समान दिशा में बचेंगे कौन से घटक, डीई कॉस थीटा और डीई कॉस थीटा, यानी कहने का मतलब उधर ही है दिशा, कहां है वैसे, तो इन दोनों दिशाओं की परिणामी दिशा कहां प्राप्त हुई है दोस्तों, इसी दिशा में, यानी ओ से लगा करके पी, ओपी के अनुदिश, दिशा कैसे मिली है, तो दिशा ओपी के अनुदिश इस प्रकार से मिली। तो ध्यान दीजिएगा, दिशा की अब तक हमने गणना की है, हम परिमाण भी इसका निकालेंगे, लेकिन पहले हम ये करते हैं कि जो हमने बात आपसे कही है वो एक बार लिख देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने एक अनंत लंबाई में आवेश वितरण की स्थिति को लिया है, अनंत लंबाई है जिसमें आवेश को वितरित किया गया है,
ठीक है। तो ये आपके ए टू यानी कि दूसरा वाला जो घटक है वो, माना किसे अनंत लंबाई, माना किसी अनंत लंबाई का एक्स वाई विचाराधीन भाग है, विचाराधीन भाग है जिसका रेखीय आवेश घनत्व, जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है दोस्तों, लैम्ब्डा है, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व को, रेखीय आवेश घनत्व मतलब प्रति एकांक जो आवेशों की मात्रा है, प्रति एकांक लंबाई में जितने आवेश है वो उसका रेखीय आवेश घनत्व है, जिसे हमने लैम्ब्डा मान के चला है। तो मान लेते हैं कि ये जो एक्स वाई है ये अनंत लंबाई का विचाराधीन भाग है, ठीक है भाई, जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्ब्डा है, ये स्थिति हमने मानी है। अब हम क्या करते हैं कि इसके कारण किसी बिंदु पर हमें तीव्रता का मान ज्ञात करना है, तो हमें इस रेखीय आवेश वितरण के कारण, इस रेखीय आवेश वितरण के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु, बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है, इसे बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। लिखें कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि तीव्रता एक सदिश राशि है, तीव्रता एक सदिश राशि है, अतः इसकी दिशा भी ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि तीव्रता एक सदिश राशि है, अतः इसकी दिशा भी क्या करनी है, हमें तीव्रता की ज्ञात करनी है, और परिमाण तो है ही, परिमाण और दिशा दोनों चाहिए। तो लिखें दिशा के लिए, के लिए दिशा के लिए हम बिंदु O से, बिंदु O से L दूरी पर, L दूरी पर दो अल्पांश, बिंदु O से समान दूरी L पर दो अल्पांश, दो अल्पांशों ए वन व ए टू का चयन करते हैं जिनके कारण तीव्रताओं की दिशा, जिनके कारण तीव्रताओं की दिशा क्रमशः, इसके कारण यानी A1 के कारण तीव्रता की दिशा इस दिशा में, यानी A1 से कहां P की ओर, A1 से P की ओर, और A2 के कारण जो तीव्रता इसकी दिशा A2 से कहां P की ओर, यानी A2 P के अंदर, क्रमशः A1 P व A2 P के अनुदिश है, A1 P और A2 P के अनुदिश है। तो अब इनका क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, हमें परिणाम ही निकालना पड़ेगा। तो लिखें अतः परिणामी दिशा, अतः परिणामी दिशा निकालने के लिए, परिणामी दिशा निकालने के लिए, परिणामी दिशा के लिए हम क्या करते हैं,
ई के डी ई के दो घटक डी ई कॉस थीटा व डी ई साइन थीटा मान लेते हैं। डी ई कॉस थीटा व डी ई साइन थीटा मान लेते हैं। अब आप लिखें, ये मिटा देता हूं मैं, आप अब ये किसी काम का नहीं है। तो देखें दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, दो अल्पांश माने हैं और उसके कारण तीव्रताओं की अलग अलग दिशा हमने ली है। तो दो घटक यानी प्रत्येक के क्या मानते हैं, दो घटक। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि माना डी ई के अक्ष के लंबवत घटक जो है वो कौन कौन से हैं। अक्ष के लंबवत एक तो डी ई साइन थीटा जो कि आप ये देख रहे हैं, और एक ये डी ई साइन थीटा, यानी अक्ष के लंबवत घटक क्रमशः डी ई साइन थीटा व डी ई साइन थीटा तथा अक्ष के अनुदिश घटक। अक्ष के अनुदिश कौन से हैं, डी ई कॉस थीटा व डी ई कॉस थीटा। तो अक्ष के अनुदिश घटक डी ई कॉस थीटा व डी ई कॉस थीटा है, और इन दोनों में से डी ई साइन थीटा और डी ई साइन थीटा परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। तो अतः लंबवत घटक परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण होने के कारण निरस्त हो जाते हैं तथा परिणामी दिशा कहां मिलती है, परिणामी दिशा ओपी के अनुदिश प्राप्त होती है। अब आप देखें कि ये आंसर मिला है, आप देखें ओपी के अनुदिश दिशा इसकी मिली है और हम ज्ञात करना चाह रहे हैं परिणामी दिशा। ध्यान दीजिएगा, डीई साइन थीटा और डीई साइन थीटा आपस में कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो दो घटक बचे वो बचे डीई कॉस थीटा और डीई कॉस थीटा, और ये दोनों के दोनों घटक आपस में समान दिशा में है, और समान दिशा में है मतलब जुड़ जाएंगे और हमें परिणामी दिशा जो मिलेगी वो ये वाली मिलने वाली है। तो हमने ये कर दिया कि परिणामी दिशा जो हमें मिली है वो ओपी के अनुदिश मिली है। तो कुल मिलाकर के यहां इस डेरिवेशन में दो चीजें मैंने कहा कि आपसे पूछी जाती है, और दो है यहाँ पे क्योंकि ये सदिश राशि है तो दिशा जरूरी है, और दिशा के साथ क्या चाहिए हमें, इसका परिमाण चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे, परिमाण। अब दोस्तों अब तक दिशा की बात हुई है, परिमाण निकालने के लिए इसके चारों ओर हमें बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे, और वो बंद गाउसीय पृष्ठ कुछ शर्तों के अंदर होगा, यानी जो भी बंद गाउसीय पृष्ठ आप मानते हैं, पहली बात कि वो बंद गाउसीय पृष्ठ सममित होना चाहिए, दूसरी बात कि वो वहां पर ई व एस यानी तीव्रता की दिशा, और ये जो आप क्षेत्रफल मानते हैं एस उस क्षेत्रफल की दिशा, इन दोनों की दिशा जो है इसके मध्य कोण है वो कोण या तो 0 डिग्री होना चाहिए या 180 डिग्री होना चाहिए या फिर 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये शर्तें हैं कुछ, और एक जो बिंदु P आप लेते हैं वो उस पृष्ठ की सतह पर होना चाहिए, जो गाउसीय पृष्ठ मानते हैं उस गाउसीय पृष्ठ की सतह पर ये बिंदु P होना चाहिए, एक शर्त। दूसरी शर्त, वो गाउसीय पृष्ठ सममित होना चाहिए, और तीसरी शर्त कि गाउसीय पृष्ठ जब मानते हो तो E व S के मध्य जो कोण है वो कोण या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री या 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो तीन शर्तें हैं इनके अंदर बंद गाउसीय पृष्ठ मानेंगे, और इसका हम क्या निकालेंगे, परिमाण, लेकिन वो अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहें, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।